क्या ही हो रहा है इस सीजन में, कोई भी रैंडम एनिमे देखना चालू कर रहा है और वो अच्छा लगने लग जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एनिमे से जिसका नाम है नोबडीज वे अप टू एन एक्सप्लोरेशन हीरो। तो मेन कैरेक्टर काइतो एक अच्छा एक्सप्लोरर बनने के लिए वो डंजन में डेली जाता है, लेकिन ये डंजन के फर्स्ट लेवल से आगे जा ही नहीं पाता क्योंकि सेकंड लेवल के मॉन्स्टर ज्यादा डेंजरस थे फर्स्ट लेवल के मॉन्स्टर से। काइतो के पास स्लाइम मारने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि इसके पास कुछ भी स्पेशल एबिलिटी नहीं था। लेकिन एक दिन इसका किस्मत चेंज हो जाता है जब इसको एक रेयर गोल्डन स्लाइम मिलता है जिसको मारने के बाद इसको एक सुपर वैल्यूएबल आइटम मिलता है, एक ऐसा रेयर कार्ड जिससे ये मिथिकल बीइंग समन कर सकता है। और इसके बाद तो इसकी एक्सप्लोरेशन की लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। इस एनिमे में काफी अच्छी कॉमेडी है लेकिन एक्शन की ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना क्योंकि मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा वीक है कोई भी कॉम्बैट स्किल ना होने की वजह से। और ये स्टोरी कुछ बहुत ज्यादा ऑफर नहीं कर रही लेकिन कुछ कम भी नहीं कर रही। हो सकता है इस एनिमे के कैरेक्टर से कुछ लोग रिलेट ना कर पाए और किसी को एनिमे पसंद ना आए क्योंकि इस कैरेक्टर का एज थोड़ा कम है, लेकिन इस एनिमे को देख के मजा जरूर आएगा, इस बात की तो गारंटी है। अब बात करते हैं अपने सेकंड एनिमे का जिसका नाम है 2.5 डायमेंशनल सेडक्शन। ये एनिमे बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि इस सीरीज का थीम कॉस्प्ले से रिलेटेड है और कॉस्प्ले का तो मैं बहुत बड़ा फैन। ये स्टोरी भी ऐसे ही किसी ओताकू कैरेक्टर की है जिसका नाम है मासामुने ओकुमुरा, जो स्कूल में मांगा क्लब का प्रेसिडेंट होता है और ये 2D मांगा कैरेक्टर लिलियल से ऑब्सेस होता है, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे मैं भी ऑब्सेस हूँ बहुत सारे वाइफू से, और मेरा मतलब हमसे था। चलो छोड़ो इस बात को। स्कूल के नए सेशन में न्यू एडमिशन रीरिसा जो कॉस्प्ले को लेकर काफी पैशनेट होती है, मांगा क्लब ज्वाइन करने के बाद रीरिसा ओकुमुरा को कन्विंस कर लेती है अपनी फोटोग्राफर बनने के लिए और इस पॉइंट से 2D और 3D वर्ल्ड की बाउंड्री कोलाइड होने लग जाती है इसकी लाइफ में। ये रोमांटिक कॉमेडी जॉनर का एनिमे है, रोमांस का ओपनिंग तो हो चुका है और कॉमेडी भर भर के है इसमें। अगर तुम भी एक ओताकू हो तो मैं बोलूंगा इस एनिमे को तुम जरूर ट्राई करो, लेकिन ये एनिमे एचए है तो सावधान और सतर्क रहो। और थर्ड एनिमे है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर ओसामू डजाई जो एक पॉपुलर ऑथर होता है अपने टाइम का, जब ये अपनी लवर के साथ डबल सुसाइड कर रहा होता है तभी आता है प्लॉट में ट्विस्ट, जहां ट्रक उनको अपने सुपर नेचुरल पावर से ये पता चल जाता है किसको अदर डायमेंशन में भेजना है। और जब ओसामू अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है तो ये बंदा वहां भी नहीं रुकता, वहां भी जाके सुसाइड ही कर रहा होता है और वहां भी फेल होने के बाद ये बंदा हार नहीं मानता, फिर ये अपनी मौत की जर्नी पे निकल जाता है। अब देखना ये है कि क्या ओसामू अपनी जर्नी को सफल बना पाएगा या फिर अपना माइंड चेंज कर देगा। जब इस एनिमे का स्टार्ट होता है तो ये एनिमे काफी सीरियस टोन में होता है 2-3 मिनट के लिए, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसमें अच्छी कॉमेडी है जो एंटरटेन करती है और हो सकता है कैरेक्टर की ग्रोथ के बाद कुछ बढ़िया एक्शन भी देखने मिल जाए। भाई मेरी तरफ से इस एनिमे पे तो हाँ है, बाकी तुम डिसाइड करो तुम्हें देखना है या नहीं देखना। और ये मेरे ओपिनियन है इन एनिमे के बारे में, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो देखो। बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।